गाइस यहाँ पर देखो एक नमूना मिल गया हमें, ये देखो यार। अबे यार क्या कर रहा है ये, देखो यार अलग ही यार नशेड़ी मिल गया यहाँ तो। देख रहे हो छपरी, देख रहे हो छपरी को, ये देखो ये माँ का मगरमच्छ, ये देख रहे हो गाइस, ये देखो यार ठीक है। और इंडिया गेट पे ये कर रहा भाई, ये देखो भाई। और गाइस देखो मैं सामने आ चुका हूँ इंडिया गेट के, और बाकी व्यू देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है इंडिया गेट, और बाकी मौसम की वजह से और एक नंबर लग रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हो और क्राउड भी देख सकते हो भाई, कितना क्राउड है भाई ये देखो भाई ठीक है। काफ़ी क्राउड आप लोगों को मिल जाएगा भाई, बाकी देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह रील वगैरह बना रहे हैं। बाकी देखो वहाँ पर सामने आप लोगों को राष्ट्रपति भवन मिल जाएगा, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। और ये वाला व्यू देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है यार, ये देखो ठीक है, पानी ऊपर से फुहारे के तरह। बैक साइड से देखो इंडिया गेट अगर नहीं देखा है तो, बाकी काफ़ी बैक साइड से भी बढ़िया है। और बाकी देखो यार और राइट ठीक है, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। आप देख रहे हैं मेरे चैनल दिल्ली वाला ब्लॉगर। तो गाइस आज मैं आया हूँ इंडिया गेट में, और आप लोगों को दिखाऊंगा इंडिया गेट का व्यू और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल के साथ मिलती रहेगी। और मैं अभी इंडिया गेट पर ही आ रखा हूँ, मैंने सोचा यहीं से इंटरव्यू स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी देख लो मेरे बैक साइड इंडिया गेट है, वो रहा दिख रहा है ये देखो ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सामने से इसका नज़ारा वगैरह दिखाऊंगा। और बाकी इंडिया गेट खुला हुआ है, मैं पिछले टाइम आ रखा था ना इंडिया गेट तो बंद पड़ा था, मैंने सोचा इंडिया गेट का व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के क्या चीज़ें हैं, कैसे और भी नज़ारे वगैरह और यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए मैं अगले साल भी आया था लेकिन बंद पड़ा था, बैरिकेटिंग लग रही थी। और इस साल मैं आया हूँ फिर दोबारा से और पूरा खुला पड़ा है, और यहाँ पर काफ़ी लोग आ भी रखे हैं, मैं आप लोगों को भी बैक कैमरे से भी दिखाऊँगा ठीक है। और बाकी इसका लोकेशन टाइमिंग और नियर बाय मेट्रो स्टेशन में आप लोगों को इसे सारी चीज़ें एंड में बताऊंगा ठीक है। बाकी एंड तक ब्लॉग को देखते रहना, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स में एंड में पता चल जाएगा। और बाकी यहाँ का टिकट प्राइस भी आप लोगों को मैं एंड में ही बताऊंगा, तो एंड तक ब्लॉग को देखते रहना ठीक है। और काफ़ी क्राउड भी लोग आ रखे हैं, मैं आप लोगों को बैक कैमरे दिखाता हूँ। उससे पहले भाई अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा, क्या कर रहे हो यार अभी जाके फॉलो कर लो यार, दिल्ली वाला ब्लॉगर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा दिल्ली वाला ब्लॉगर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ठीक है, जाके फॉलो कर लेना। और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है, इस तरह का बटन आ रहा होगा नीचे उसे दबा देना, आप हमारे चैनल में जुड़ जाओगे ठीक है। अब चलते हैं और इंडिया गेट आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो देखो वो रहा सामने इंडिया गेट, मैं आप लोग जूम करके दिखाता हूँ वो रहा ठीक है, ये रहा इंडिया गेट। और बाकी क्राउड देखो यहाँ पर कितना क्राउड हो रखा है, बाकी वहाँ देखो भाई कितना क्राउड है, आप लोगों में जूम करके दिखाऊँ ना जब समझ में आएगा। देखो क्राउड देख रहे हो कितना क्राउड है यार। और शाम के भाई मैं आप लोगों को पहले टाइम दिखाता हूँ, टाइम देखो भाई शाम के 5:14 हो रहे हैं ये देख सकते हो ठीक है। और हम भाई यहाँ पर आए हैं 5 बजे डायरेक्ट, और बाकी हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और बाकी मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर देखो आप लोगों को नहर भी दिख जाएगी इस तरह की छोटी सी, नहर नहीं बोलते यार इसे, वैसे ऐसी बना रखा है, मैं आप लोगों को पास जाके दिखाता हूँ जब आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह का है किस तरह का नहीं ठीक है। ये देखो इस तरह का ये बना रखा है, बाकी वहाँ देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये देखो ठीक है। और बाकी ज़्यादा गहरा भी नहीं है, इसमें आप लोग हाथ पैर भी धो सकते हो, और वैसे इसके अंदर जा नहीं सकते, हाथ पैर धो लो बस, उसके लिए मना नहीं है। बाकी काफ़ी बढ़िया वहाँ से देख लो भाई, वहाँ से यहाँ तक ठीक है। और बाकी देख सकते हो ये इंडिया गेट के पास आप लोगों को मिल जाएगा, और इस तरह के गार्डन वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे काफ़ी बढ़िया बढ़िया, बैठने के लिए भी मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को, उस साइड भी बैठने बैठने का भी आप लोगों को सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है। और मौसम यार एक नंबर हो रहा है, एक नंबर ठीक है, आप लोग देख सकते हो भाई कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। और बाकी बोल रहा भाई इंडिया गेट आप लोगों को सामने ले जाकर भी दिखाता हूँ, कितना बढ़िया लगता है, कितना अमेजिंग लगता है ठीक है। बाकी चलते हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताते हैं। और इंडिया गेट के पास ना आप लोगों को नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या बना हुआ है, ये नया बनाया गया है, पहले नहीं था ये। यहाँ से देखो नीचे ऐसे सामने सामने आप लोग ऐसे जा सकते हो ठीक है। बाकी आप लोगों को आगे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर आप लोगों को DTC की भी बस मिल जाएगी, और मेट्रो स्टेशन सब आप लोगों को मैं एंड में बताऊँगा। बाकी देख लो भाई कंतियारा पार्ट ठीक है, और बाकी देखो यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। और बाकी देखो यहाँ से आप लोग आनंद पार हो सकते हो, उस साइड जाना उस साइड यहाँ से जा सकते हो ठीक है। इधर भी ऐसी बना रखा है, ये अंडरग्राउंड बना रखा है नीचे से सीधा रोड पार करने के लिए, उधर आप लोग निकल जाओगे सीधा, वो देखो बन रहा है ना वहाँ से, अभी हम यहीं से निकल के आप लोगों को जाके वहीं से दिखाएंगे। और बाकी उधर भी देख लो कितना क्राउड है यार, देख रहे हो, बाकी देखो भाई कितना क्राउड है भाई ठीक है, शाम का टाइम का ये, बाकी देख सकते हो आप लोग, ये देखो गाइस यहाँ से ऐसे बना रखा पूरा अंडरग्राउंड ठीक है। और मैंने अभी आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा था ना, अभी देखो मैं नीचे से, अभी नीचे से उस वाले रोड के इस रोड से पार करके आप लोग उस साइड बाहर निकल जाओगे ठीक है। और बाकी देखो काफ़ी लोग इस साइड भी आ रहे हैं और काफ़ी लोग इधर से भी जा रहे हैं ठीक है। और बाकी अभी आप लोगों को सारी चीज़ बताता हूँ, और बाकी ये डिटेल बाय आप लोगों को एंड तक लोग को देखते रहना ठीक है। और बाकी देखो यहाँ से एंट्री वगैरह हो जाएगी,
यहाँ पर देखो गाइस आप लोगों को इस तरह के भाई मैप वगैरह डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब नया लगाया हुआ है। बाकी अंडरग्राउंड में आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये देखो ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। देखो इंडिया गेट का भी लगा हुआ है और भी इस तरह के 26 जनवरी के लिए लगा हुआ है और भी काफ़ी सारे इस तरह के मैप वगैरह लगे हुए हैं ठीक है चित्र। बाकी देखो काफ़ी सारे आप लोग इन पर सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो अगर आप लोगों को रीड करना है तो। और गाइस देखो हमने रोड क्रॉस कर लिया वो भी अंडरग्राउंड से, जैसे कि मैं आप लोगों को वहाँ से बता रहा था ना, अब देखो मैं इस साइड आ गया हूँ और बाकी देखो ये रहा सामने इंडिया गेट इस पेड़ के, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंडिया गेट भी। बाकी व्यू देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है और बाकी यहाँ पर देखो भाई आपको ये भी मिल जाएगा, देखो ये जुड़ा हुआ है वहाँ से ठीक है, ये देखो ये सेम ही मिलेगा और बाकी आगे देखो भाई कितना बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ और बाकी इंडिया गेट भी आप लोगों को दिखाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को बैठने की जैसे कि एरिया वगैरह भी मिल जाएगा ठीक है और गार्डन वगैरह भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा ठीक है। ये देखो भाई कितना हरियाली लगा हुआ है और बाकी मौसम देखो यार कितना यूनिक और कितना ब्यूटीफुल है और बाकी ये देखो भाई ठीक है ऐसे ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ये भी मिल जाएंगे। और ये वाला व्यू देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है यार, ये देखो ठीक है पानी ऊपर से फुहारे के तरह गिर रहा है नीचे और बाकी चेक करो गाइस ठीक है और बाकी देख सकते हो और बाकी यहाँ भी है देखो भाई और बाकी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ जब आप लोगों को समझ में आएगा, ये देखो अगर रियल में देखते ना जब आप लोगों को लगता कितना बढ़िया हो रहा है ठीक है। और बाकी इसके सामने इंडिया गेट है वो देखो और बाकी वो भी है और वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, वो देखो वो भी बना हुआ है ना, वो भी आप लोगों को भी जाके वहाँ भी दिखाता हूँ और बाकी बहुत अच्छा है और क्राउड भी आप लोग देख सकते हो कितना क्राउड है भाई, कितना रस है और बाकी देख सकते हो भाई ठीक है। और बाकी अभी आप लोगों को इंडिया गेट के पास से भी दिखाऊंगा। और हाँ आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग जैसे यहाँ पर आप लोगों को इंडिया गेट के पास ना काफ़ी लोग कैमरा मैन भी मिलेंगे, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर कैमरा मैन से फ़ोटो वगैरह खींचो क्योंकि भाई 2 या 3 फोटो के वो 50 रुपये लेते हैं। आप लोग खुद आइडिया लगा लो DSLR फोटो कैमरे की 3 फोटो लेने के भाई 50 रुपये लेते हैं, वो 60 भी ले सकते हैं ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा अपने घर से फ़ोन लेके जरूर आना जितना बढ़िया हो सके ठीक है, क्योंकि भाई अपने फ़ोन से फोटो लो उससे ज़्यादा बेस्ट और क्या होगा ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार मैंने ट्राई कर चुका है, मैंने 50 रुपये में भाई मुझे 2 फोटो मिली थी वो भी 1 साल पहले, अब मैं 1 साल बाद आया वो भी 2024 में, अब खुद आइडिया लगा लो भाई 2024 में कितना बढ़ा दिया हुआ रेट ठीक है। इसी मारे कह रहा हूँ भाई रिकमेंड भाई बिल्कुल नहीं कर रहा, DSLR वाले इन लोगों से कैमरों से फोटो खिंचवाओ क्योंकि भाई पैसे ज़्यादा लेते हैं इसी मारे। और गाइस देखो मैं सामने आ चुका हूँ इंडिया गेट के और बाकी व्यू देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है इंडिया गेट और बाकी मौसम की वजह से और एक नंबर लग रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई ये देखो नीचे से ऊपर तक भाई काफ़ी बड़ा है, रियल में देखो ना जब आप लोगों को लगेगा, अगर आप लोग नहीं आए ना अगर फर्स्ट टाइम भी नहीं आए भाई एक बार जरूर ट्राई करना यहाँ पर आने में। और क्राउड भी देख सकते हो भाई कितना क्राउड है भाई, ये देखो भाई ठीक है काफ़ी क्राउड आप लोगों को मिल जाएगा भाई, ये देखो ठीक है पहले इतना नहीं होता था अब कुछ ज़्यादा रस होने लग गया यहाँ पर। और बाकी देख सकते हो भाई इंडिया गेट ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है गाइस ठीक है। और बाकी एक बार मैं आप लोगों को उधर की साइड से दिखाता हूँ और आप लोगों को बेहतरीन मिलेगा और बाकी देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह रील वगैरह बना रहे हैं। बाकी इस साइड भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को बैठने बैठने का भी एरिया वगैरह मिल जाएगा। बाकी देखो वहाँ पर सामने आप लोगों को राष्ट्रपति भवन मिल जाएगा, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, वो देख रहे हो उस सामने आप लोगों को राष्ट्रपति भवन मिलेगा ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ वहाँ पर ही जाकर दिखाऊँ क्योंकि वो काफ़ी दूर है, बाकी देखते हैं अगर हो पाएगा तो मैं आप लोगों को व्लॉग में इसी में ही दिखा दूंगा। बाकी चेक करो गाइस इंडिया गेट भाई एक नंबर लग रहा है, इसी बात पर यार लाइक कर देना मेरा व्लॉग। और बाकी देख सकते हो भाई ऊपर इंडिया लिखा हुआ है और बाकी काफ़ी चीज़ें भी और लिखी हुई है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ठीक है। और बाकी काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है देख सकते हो, और काफ़ी बड़ा है यार और मैं 1 साल बाद आया था, मैं 1 साल बाद आया हूँ, वो 1 साल पहले आया था मैं 1 साल बाद आया हूँ ये देख सकते हो ठीक है। गाइज हमने फोटो शूट कर लिया है और रील्स वगैरह बना ली, थंबनेल वगैरह भी ले लिया, सब चीज़ हमने ले लिया इंडिया गेट पे। और बाकी आप देखो यार बारिश वाला मौसम हो गया ठीक है और बाकी यहाँ पर देखो हम पेड़ के नीचे आ गए और बाकी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और बाकी बारिश चली जाएगी थोड़ी और भी आप लोगों को चीज़ें वगैरह दिखा दूँगा और बाकी बैक कैमरे से देख लो और चीज़ें। गाइज यहाँ पर देखो एक नमूना मिल गया हमें, ये देखो यार, अबे यार क्या कर रहा है ये देखो यार, अलग ही यार नशेड़ी मिल गया यहाँ तो, देख रहे हो छपरी, देख रहे हो छपरी को, ये देखो ये माँ का मगरमच्छ, ये देख रहे हो गाइस, ये देखो यार ठीक है। और इंडिया गेट पे ये कर रहा भाई, ये देखो भाई ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। और गाइस देखो मैं इंडिया गेट के साइड इस साइड आ गया, देखो भाई इंडिया गेट इधर से ऐसा कुछ लगता है, बाकी आप लोग देख सकते हो यार इधर से भी कुछ आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं इसे मारा आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ और इसके बैक साइड से भी आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। और बाकी देखो बोरे भाई यहाँ पर ये बना हुआ है, ये देखो ठीक है, अभी आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊँगा तो और सही लगेगा ठीक है। बाकी आप लोग देखो यार यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी लोग यहाँ पर फोटो वगैरह रील्स वगैरह बना रहे हैं और बाकी ये देखो यार बैक साइड से देखो इंडिया गेट अगर नहीं देखा है तो, बाकी काफ़ी बैक साइड से भी बढ़िया है और बाकी देखो कैसे कैसे फ्लावर वगैरह भी लगाए हैं बहुत सुंदर सुंदर हैं, ये देखो ठीक है नीचे साइड काफ़ी बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं।
और बाकी देख सकते हो भाई अंदर से कुछ इस तरह है। यहाँ अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि परमिशन नहीं है, इस तरह का यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। देख लो कोई भी नहीं अंदर क्योंकि परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर इसमें आप लोग भाई अंदर चले जाओगे ना भाई जुर्माना भी लग सकता है। बाकी देखो भाई कितना बढ़िया है और कितना बड़ा इंडिया गेट है। और बाकी देखो यहाँ से व्यू, काफ़ी लोग यहाँ भी फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं इसके बैक साइड इंडिया गेट के, ठीक है। और बाकी देखो यार, ठीक है। और बाकी वहाँ सामने भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और बाकी इधर भी देखो काफ़ी बड़ा गार्डन वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा बैठने का। और बाकी देखो वो रहा सामने, वो भी दिखाता हूँ। और यहाँ से देखो गाइस कितना बढ़िया व्यू है। और वेदर चेक करो यार, वेदर देख रहे हो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है और थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और बाकी देखो यार इंडिया गेट हो रहा सामने। और बाकी हम थोड़ा और आगे आ गए क्योंकि हमने देखना था यहाँ पर और किस तरह की और भी चीज़ें बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाएगी, तो अपने सब्सक्राइबरों को भी दिखाए थे यार। और बाकी देख सकते हो, ठीक है, वहाँ बैरिकेटिंग वगैरह लगी हुई है। और बाकी देखो भाई ये गोल बना रखा पूरा ऐसे गोल, ठीक है। और बाकी ये मूर्ति वगैरह बनी हुई है, पता नहीं किसकी बहुत से किसकी नहीं मूर्ति है ये। और बाकी चलते हैं और आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को इंडिया व्लॉग का फुल डिटेलिंग व्लॉग बना कर दे दिया। और बाकी देखो मेरे पीछे साइड इंडिया गेट है ये देखो यार, ठीक है। और बाकी आप लोगों को बढ़िया लगा होगा आई होप। और बाकी आप लोगों को मैंने दिखाया किस तरह का इंडिया गेट है और बाकी यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटी है, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को सारी चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई। और बाकी जैसे सामने देख रहे हो ना राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर देखो, ठीक है, दिख रहा है वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वो काफ़ी दूर है वरना वहाँ भी जाकर दिखाता, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो रहा है ना यार, तो घर भी जाना है। और आप लोगों को मैं बता दूँ अब इंडिया गेट आप लोग अगर आना चाहते हो, अगर अभी तक नहीं आए इंडिया गेट कभी भी नहीं आए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका लोकेशन क्या होने वाला है। इसका लोकेशन होने वाला है एक तो इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन, ठीक है, न्यू दिल्ली में आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो है पटेल नगर, ठीक है, पटेल नगर से भी आ सकते हो। और भी काफ़ी सारे स्टेशन है, आप गूगल मैप की मदद से पता कर लेना इंडिया गेट अगर आना है तो, ठीक है। और बाकी टाइमिंग की यहाँ पर कोई नहीं है, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, ठीक है। और रात को तो और काफ़ी बढ़िया लगता है, यहाँ पर लाइट वगैरह भी जल जाती है इंडिया गेट पर, ठीक है। और मैं सोचता रात तक रुकूँ क्योंकि इंडिया गेट है लाइट जब इस पर लाइट चालू होती है ना, वो नहीं देखा मैंने आज तक, ठीक है, सोचता वो भी देख लूँगा। और बाकी आप आ सकते हो भाई इंडिया गेट में, कोई टिकट विकट भी नहीं लगती, फ्री चार्ज है। और बाकी बारिश का ही मौसम हो रखा है, देखो भाई बूंद वगैरह टपक रही है और फ़ोन पे ही मेरे यार टपक रही बहुत है बूंद, हल्की हल्की बारिश हो रही है, पहले तेज़ हो रही थी अब हल्की हल्की हुई है। और बस इतना यही था। और बाकी एक बार और देख लो इंडिया गेट, अगर नहीं देखा है तो अभी दोबारा देख लो, ये देखो ये, ठीक है। और यहीं हम ब्लॉग एंड करते हैं और मैं आप लोगों को बता दूंगा इस, पहले मैं एंगल सेट कर लेता हूँ, ये देखो यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है इंडिया गेट, है ना। और बाकी आप लाइक कर देना मेरे ब्लॉग को और शेयर कर देना और कमेंट कर देना और चैनल को यार फटाफट सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, ब्लॉग को देख लेते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना यार, नीचे सब्सक्राइब बटन को से दबा देना, आपको इतने बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स मिलेंगे मेरे चैनल पर, ठीक है। अब ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।